गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स रीड टुडे पोएम नंबर 7, वोकेशन। वोकेशन, ओके। वोकेशन मींस प्रोफेशन, ओके, काम। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर, व्हाट डिड ही से थ्रू दिस पोएम? Let's read the poem. On your way to school or market, you see many people at work. In pairs, discuss what you have noticed. Okay. So, जब आप लोग स्कूल से मार्केट जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं या तो घर से मार्केट जाते हैं, तो रास्ते में कई लोगों को मिलते हैं काम करते हुए, है ना। और उसी चीज को अपने में दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। और इस पोएम को हमें लाउडली पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम के माध्यम से क्या कहते हैं। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by hour late, तो gong sound ये घड़ी की आवाज होता है ना। जब टाइम होता है तो हर घंटे में वॉल क्लॉक या तो टेबल क्लॉक होती है, वो हर घंटे में आवाज बजता है, ओके। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जब घड़ी में 10 बजे की आवाज आती है, सुबह के 10 बजे की आवाज होती है, तो मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाता हूं और अपने गली अपने मोहल्ला की गली से होकर के स्कूल जाता हूं, कहता है। लेन मतलब होता है गली, है ना। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ओके। तो हॉकर का मतलब यहां है फेरी वाला, है ना। तो ऑथर कहते हैं कि हर रोज जब मैं स्कूल जाता हूं तो रास्ते में एक फेरी वाला, चूड़ी बेचने वाला फेरी वाला को मिलता हूँ, चूड़ी बेचने वाले एक फेरी को मिलता हूँ और वह रास्ते में चूड़ियाँ, क्रिस्टल के चूड़ियाँ कहते हुए पुकारता है, है ना। क्रिस्टल मीन्स हीरे, है ना, हीरे के चूड़ियाँ ऐसा कह के पुकारता है, ठीक है। देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम। तो ऑथर उसको देख करके कहते हैं कि वो जाने के लिए उतना जल्दबाजी नहीं करते हैं, उसके लिए ना कोई रोड है, ना कोई सड़क है जाने के लिए, और ना कोई निश्चित जगह, और ना कोई निश्चित टाइम उसे घर वापस आने के लिए। तो ये फेरी वाला को कोई निश्चित सड़क या रोड नहीं होता है जाने के लिए, और ना ही उसे कोई निश्चित जगह होती है, और ना कोई निश्चित टाइम होता है वो अपने काम से घर वापस आने के लिए, ठीक है। तो ऑथर कहते हैं, आई विश आई वे होकर, यदि मैं आशा करता हूं कि यदि मैं एक फेरी वाला होता, स्पेंडिंग माय डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, तो कहता है कि मैं पूरे दिन इसी तरह रोड में चिल्लाते हुए चूड़ियां, क्रिस्टल की चूड़ियां कह के अपना टाइम बिताता, कहता है। वेन एट 4 इन द मॉर्निंग आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और जब स्कूल में 4 बजे की समय होती है, स्कूल की छुट्टी होने की समय होती है, तो 4 बजे स्कूल से घर वापस आते हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो स्कूल जाया करते हैं।
I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. तो रास्ते में एक घर पड़ता था और उसी घर के गेट के सामने उन्होंने वापसी में एक गार्डनर एक माली को गार्डन में मिट्टी खोदते हुए गड्ढा खोदते हुए देखा. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. और वो गार्डनर वो माली अपने कुदाल से मिट्टी खोदता है और अपने कपड़ों को मिट्टी के डस्ट से गंदगी कर देता है या गंदगी हो जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछता है. और जब वो कड़कड़ाती हुई धूप में शरीर से जब पसीना छूटने लगता है और पसीना से गीला हो जाता है तो उसे कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं बुलाता है, रहता है. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. और ऑथर इच्छा करते हैं, आशा करते हैं कि यदि काश मैं एक माली एक गार्डनर होता तो मैं भी अपने हाथों में कुदाल लेकर के अपने मनमर्जी मिट्टी को खोलता और मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, करता है. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed. और तब संध्या हो जाती है, तब उसकी माँ उसे पुकारती है और उसे रात को सोने के लिए बिस्तर में भेज देती है. I can see through my open window the watchman walking up and down. और वो अपने बेडरूम के विंडो से बाहर जब झांक के देखता है तो गली में एक वॉचमैन एक पहरेदार अपने हाथ में लालटेन लिए हुए डंडा लिए हुए सोते हुए लोगों की पहरेदार करने के लिए आगे अप एंड डाउन आता जाता रहता है. और उसको ये अपने बेडरूम के खिड़की से देखता है. The lane is dark and lonely. The street lamp stands like giant with one red eye in its head. और उस सुनसान गली में वॉकमैन घूमता फिरता है लोगों की रखवाली के लिए और गली के स्ट्रीट लाइट चलती है जो कि बहुत बड़ी दिखाई देता है. एक आंख चमकते हुए चमकने जैसा दिखाई देता है. तब ऑथर आशा करते हैं काश मैं भी एक वॉचमैन एक पहरेदार होता और अपने हाथ में लालटेन और डंडा लेकर के रास्ते गली में ऊपर नीचे आता जाता, कहता है. और बेड या बिस्तर आने में भी उसे कोई समय नहीं होता. तो इसी तरह वॉचमैन का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है सोने के लिए. I wish I were a watchman walking the street all night chasing the shadows with my lantern. तो ऑथर आशा करते हैं काश मैं एक पहरेदार एक वॉचमैन होता तो मैं अपने हाथ में लालटेन और डंडा लिए रात भर जागता रहता और पहरेदार करता और अपने परछाई के पीछे पीछे लालटेन लेकर के चलते रहता. तो स्टूडेंट्स ये रही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पोयम. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. सो वंस अगेन यू रीड आफ्टर लिसनिंग टू माय वीडियो सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट मोर क्लियर एंड मोर बेटर. थैंक यू.